आजकल दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना बहुत ही आम बात हो चुकी है। शादीशुदा लाइफ में किसी लड़का या लड़की की एंट्री होना भी बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है और यही चीज आज के इस सीरीज में आप देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ प्रिज्यूम्ड इनोसेंट वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है एपल टीवी प्लस पर। सीरीज के फिलहाल 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं और ये दोनों ही एपिसोड लगभग 45 मिनट की है। सीरीज फिलहाल दोस्तों सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि दोनों ही एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली का साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है जैक से, जो कि पेशे से वकील है। अचानक से ही उसके पास एक फोन आता है और वो उस जगह पर पहुंचता है और उस जगह पर पहुंचते ही वो देखता है कि एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। दूसरी ही तरफ वो अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है क्योंकि उसी के घर में उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। और जैक अपने क्लाइंट को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो बात की बात है, लेकिन इस केस को लड़ते वक्त अचानक से ही उसके लाइफ में एक लॉयर आती है और इन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जैक जो कि एक शादीशुदा इंसान है, उसकी फैमिली है, लेकिन अचानक से ही वो एक लॉयर के प्यार में पड़ जाता है और ये लव स्टोरी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है ये इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। जैक जिस लॉयर से प्यार करना शुरू कर देता है उस लॉयर के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और असल में वो जैक को ही प्यार क्यों कर रही होती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज की स्टोरी की स्टार्टिंग सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से की गई है। सीरीज में दो दो पहलुओं को एक साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ एक मर्डर केस जिसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो दूसरी तरफ जैक के अफेयर को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी और लास्ट तक जैक इन दोनों केसेस को किस तरह सॉल्व करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। वो अपने फैमिली को किस तरह बचाता है ये भी आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलने वाली होगी, लेकिन दोस्तों फिलहाल इस सीरीज की 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है और दोनों ही एपिसोड सच में माइंड ब्लोइंग है। सीरीज आपको किसी भी जगह पर स्किप करने का मौका नहीं देने वाली होगी। सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे और इस सीरीज में आप कुछ ऐसे भी दृश्य देखने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों सीरीज की स्टार्टिंग तो बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से की गई है, देखते हैं कि बाद में मिस्ट्री क्या रिवील होकर बाहर आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.9 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए काफी हद तक इंटरेस्टिंग रही। सीरीज में मैंने अच्छी खासी मिस्ट्री और थ्रिलर एक्टिविटी एंजॉय की और साथ ही साथ जब आप इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपके दिल में भी एक अच्छी खासी क्यूरियोसिटी पैदा होने वाली होगी। तो दोस्तों अगर आप थ्रिल और मिस्ट्री से भरी हुई कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है, लेकिन दोस्तों सीरीज की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो जरूर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।